जिला पंचायत पद के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। कलेक्ट्रेट में संपन्न हुई चुनाव प्रक्रिया में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए थे। अनावश्यक लोगों को परिसर में प्रवेश नहीं दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के संजय पुनहारे निर्विरोध चुने गए हैं, जबकि कांग्रेस के ही उपाध्यक्ष प्रत्याशी अमित सक्सेना को 15 वोट मिले हैं और भाजपा के संदीप मोहर को 9 वोट मिले हैं एवं एक वोट रिजेक्ट हुआ है और एक सदस्य ने वोट नहीं दिया है। अमित सक्सेना को 6 वोटों से विजय प्राप्त हुआ है। जीत के बाद कांग्रेस के उत्साहित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जश्न मनाया, फटाके व आतिशबाजी कर जीत की खुशी मनाई। ये तो आपके सामने है, हम शुरू से कह रहे थे कि सच हमारे साथ है। हमारे तीनों जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो कमलनाथ जी के साथ थे और आज हमारे कमलनाथ जी ने ये देखते हुए कि हमारे युवा साथी हैं और एडवोकेट हैं संजय भाई का चयन किया, जिसको सभी ने समर्थन देती। हमारे भारतीय गोंडवाना पार्टी जिसकी अध्यक्षा हैं मोनिका मनमोहन साहब बट्टी जी, उनका जरूर सबसे पहले हृदय से धन्यवाद और हमारे महेश एनिवासी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे इस संघर्ष में हमारा साथ दिया। और जहाँ तक भाजपा की बात है, हम पूरे 26 सदस्य एक होकर काम करेंगे, लेकिन भाजपा के भी जिन भाइयों ने हमको सहयोग किया है वो उनके अपने कारणों से, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और हम कोशिश करेंगे कि सबको साथ में लेके चल सकें।